अलाडुंगी के कोटाबाग में ब्लॉक स्तरीय आशा संवाद कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में डॉक्टर ऐश्वर्या कांडपाल शामिल हुई और आशा कार्यकर्ताओं को टीबी रोगियों की पहचान और उपचार की जानकारी दी गई। साथ ही तंबाकू मुक्त उत्तराखंड अभियान, जागरूकता, आशा और एएनएम के कार्य प्रणाली संबंधी कार्य पर चर्चा की गई। वहीं शत प्रतिशत गर्भवती महिलाओं का संस्थागत प्रसव और गर्भवती महिलाओं और बच्चों का टीकाकरण पर परामर्श दिया गया। काला ढूंगी से मुकेश छिमवाल की रिपोर्ट। आज की सबसे छोटी इकाई है तो इस वजह से 85% जो है हमारे स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं जो है ग्रामवासियों को गांव में ही मिल जानी चाहिए। इसके बेसिकली इसका इस समिति का ये उद्देश्य है। तो इसके तहत आज इसके बारे में बातचीत की गई और बाकी इनको कई चीज़ों के बारे में, जैसे टीबी हो गया, तंबाकू के बारे में और मोतियाबिंद के बारे में और RBSK के टीम एवं किशोरावस्थाओं के जो काउंसलर हैं उनके द्वारा और काफ़ी और एक हमारे LMO के द्वारा काफ़ी ऐसी जानकारियां दी गई हैं।